मौज ऐप को डाउनलोड करें और हिस्सा लें इंडियाज़ गॉट टैलेंट के वाइल्ड कार्ड एंट्री में। मौज बना, हिट हो जा। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। रूस और यूक्रेन में चल रही जंग के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत यूक्रेन में शांति चाहता है। राजनाथ सिंह ने यूक्रेन में फंसे छात्रों पर कहा कि केंद्र सरकार ने पहले ही एडवाइजरी जारी की है। केंद्र सरकार ने वहां पर हवाई जहाज भेजे हैं लेकिन अभी प्लेन वहां उतर नहीं पा रहे। राजनाथ सिंह ने बताया है कि जहां तक संभव है सरकार लगातार कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा है कि स्थिति विषम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन भारत शांति चाहता है, बातचीत के द्वारा इसका हल निकाला जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि युद्ध की स्थिति नहीं पैदा होनी चाहिए। समझाइए पूरे मुद्दे पर, नागरिकों की मौत हो रही है, बहुत सारे युवक फंसे हुए हैं। वैसा है कि वैसे सरकार ने पहले भी एडवाइजरी जारी की थी और साथ ही उनको बाहर निकालने की व्यवस्था सरकार ने कुछ की है, प्लेन्स वगैरह भेजे गए हैं, लेकिन वहाँ की ऐसी स्थिति है कि अब शायद जहाँ तक मुझे जानकारी है कि अभी प्लेन लैंड नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसको लेकर सरकार चिंतित है और जो भी इफर्ट संभव था हमारी सरकार ने किया है और आगे भी जो इफर्ट्स होंगे अपने भारतवासियों को बचाने के लिए हम लोग करेंगे। नहीं नहीं ऑलरेडी प्लेन वहाँ पर भेजी गई थी, कुछ बच्चे आए भी हैं, ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे आए हैं, लेकिन एक प्लेन वहाँ गई, वहाँ पर शायद कुछ ऐसी स्थिति थी, हम प्लेन चाहते हुए भी वहाँ पर लैंड नहीं कर पाई। स्थिति विषम है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी गवर्नमेंट का पूरा इफर्ट है कि जो हमारे भारतवासी हैं, हमारे जो बच्चे वहाँ पर हैं, उन सभी को निकाला जाए। इंडिया का क्या स्टैंड है, इस पे कुछ बोल दीजिए। भारत चाहता है कि शांति कायम होनी चाहिए, बातचीत के द्वारा इसका हल निकाला जाना चाहिए, युद्ध की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए, यही भारत की सोच है। भारत का विदेश मंत्रालय यूक्रेन से छात्रों समेत लगभग 18,000 भारतीयों को वापस लाने के लिए कदम उठा रहा है, क्योंकि यूक्रेन में हवाई क्षेत्र बंद है। भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। केंद्र सरकार सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने इस बात का आश्वासन दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।